आज के इस वीडियो का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है, पूरा 3D में देखेंगे हम सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं। अब सेल्फ स्टार्टेड मतलब क्या है, खुद से ही स्टार्ट नहीं होता है, जैसे कि डीसी मोटर या फिर इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये खुद से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है वो खुद से स्टार्ट नहीं होता है। अब क्यों स्टार्ट नहीं होता, तो वही हम समझेंगे। अब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का दो तरीका है, क्या क्या तरीका है वो हम आगे जानेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस मोटर खुद से ही स्टार्ट क्यों नहीं होता, वो हम देखते हैं। अब सिंक्रोनस मोटर में 3-phase सप्लाई इसके फील्ड कॉइल में दिया जाता है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि जैसे ही हम 3-phase सप्लाई इसके फील्ड कॉइल में देंगे तो क्या होगा, इस फील्ड कॉइल में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है वो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, पोल पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर पोल बढ़ जाएगा तो जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड वो घट जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, 4 पोल का मोटर है ये, तो यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 RPM। इसके अंदर जो रोटर होगा ना, वो रोटर इंडक्शन मोटर की तरह नहीं होगा। ये जो रोटर होगा वो देखने में बिल्कुल डीसी मोटर का जो आर्मेचर है देखने में वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट रहता है। इसका जो आर्मेचर का जो कंडक्टर है इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहा है। इस स्लिप रिंग की हेल्प से हम इस आर्मेचर में डीसी सप्लाई देंगे। अब जैसे ही हम इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, डीसी सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है तो इस आर्मेचर में पोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अब वो पोल भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब फील्ड कॉइल में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, फील्ड कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड घूमना चालू कर देता है। फील्ड कॉइल के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो फील्ड कॉइल में क्या होता है, एक पोल क्रिएट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होता है फील्ड कॉइल में भी। अब आर्मेचर में भी जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक पोल क्रिएट होगा, एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, एक साउथ पोल क्रिएट होगा। आर्मेचर के अंदर जो साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल होगा वो क्या करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर कैच कर पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और आर्मेचर अभी स्टील कंडीशन में है, तो इतना ज्यादा स्पीड में होने के कारण ये जो आर्मेचर है ये उसे कैच नहीं कर पाएगा, मतलब फील्ड कॉइल को कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए ये मोटर स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा, मतलब ये उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना तेज़ी से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इतना तेज़ी से घूम रहा है कि ये उसे कैच नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए ये वाइब्रेट होगा। ये सेल्फ स्टार्टेड इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कैच नहीं कर पाता। समझते हैं कि इस स्टार्ट कैसे होता है, कैच तो नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये स्टार्ट कैसे होता है। ये स्टार्ट करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका है यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, दूसरा तरीका प्राइम ओवर। समझ लेते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डैम्पर वाइंडिंग कैसे काम करता है। अब डैम्पर वाइंडिंग को जो आर्मेचर का जो पोल होता है उस पोल में इंसर्ट कर दिया जाता है एंड डैम्पर वाइंडिंग को पूरा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ये डैम्पर वाइंडिंग होता है कॉपर बार से। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इस डैम्पर वाइंडिंग को हम मोटर के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम 3-phase सप्लाई इस फील्ड कॉइल में हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का खुद का एक फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या करेगा, इस डैम्पर वाइंडिंग को कट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही कट करेगा इसके अंदर से एक करंट फ्लो होगा। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे ही हम डाल देंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो पहले ये मोटर इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा, नियरली जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके आसपास जैसे ही इसका स्पीड पहुँच जाएगा तब हम इसके अंदर डीसी सप्लाई दे देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर का जो नॉर्थ पोल है वो फील्ड कॉइल का साउथ पोल के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड फील्ड कॉइल एंड आर्मेचर दोनों ही मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा
तब क्या होगा, ये जो आपका जो डैम्पर वाइंडिंग है इसका कोई काम नहीं है, डैम्पर वाइंडिंग तब काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि स्लिप इसका जीरो हो जाएगा। अब स्लिप जैसे ही जीरो हो जाएगा तो डैम्पर वाइंडिंग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो रोटर का जो स्पीड है वो सेम सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से घूमेगा। अब वोल्टेज को आप इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो, उसके ऊपर सिंक्रोनस स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये आर्मेचर के साथ मैग्नेटिकली लॉक है, तो जितना स्पीड में सिंक्रोनस स्पीड घूमेगा उतना ही स्पीड में तब ये रोटर भी घूमना स्टार्ट। तो ये होता है डैम्पर वाइंडिंग का काम। तो डैम्पर वाइंडिंग की हेल्प से हम सिंक्रोनस मोटर को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं जो प्राइम ओवर है उसके हेल्प से हम कैसे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक प्राइम ओवर चाहिए जिसका स्पीड नियर बाय सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होगा, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या है उसको निकालने का फॉर्मूला है NS=120×F/P। इस फॉर्मूला की मदद से हम सिंक्रोनस स्पीड को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा प्राइम ओवर लगेगा कि उसका जो स्पीड है वो नियरली सिंक्रोनस स्पीड के आसपास हो। अब हम क्या करेंगे, वो जो प्राइम ओवर होगा उसके शाफ्ट के साथ ये जो सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट है इसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब जो प्राइम ओवर है उसे स्टार्ट करेंगे। जो सिंक्रोनस स्पीड है वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब प्राइम ओवर घूमते घूमते एक टाइम पे क्या होगा, जो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके आसपास चलाएगा। जैसे ही नियर बाय सिंक्रोनस स्पीड के आसपास प्राइम ओवर का स्पीड होगा तो हम तब क्या करेंगे, हम इस सिंक्रोनस मोटर में हम तभी डीसी सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम डीसी सप्लाई इसके अंदर देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर के अंदर पोल क्रिएट होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होगा। अब जो आर्मेचर का नॉर्थ पोल है वो फील्ड कॉइल का जो साउथ पोल है उसके अट्रैक्ट करेगा एंड दोनों ही मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम जो एक जो प्राइम ओवर है उसे हम हटा देंगे, ठीक है। तब प्राइम ओवर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आर्मेचर एंड जो फील्ड कॉइल है ये दोनों ही मैग्नेटिकली कनेक्ट हो गया है। एक बार कनेक्ट होने के बाद जो प्राइम ओवर है उसके हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैग्नेटिकली लॉक हो गया है कि मतलब जो जितना स्पीड में सिंक्रोनस स्पीड घूमेगा उसी स्पीड में हमारा जो रोटर है वो भी घूमेगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगा तो रोटर का जो स्पीड है वो भी घट जाएगा, अगर सिंक्रोनस स्पीड का स्पीड बढ़ जाएगा तो रोटर का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे ही डैम्पर वाइंडिंग की हेल्प से हम इसे स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही प्राइम ओवर की हेल्प से हम इसे स्टार्ट करते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही आगे वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।